तिरंगा तो जागा, चेंज आओ हवाई मार्ग से तिरंगा दिल्ली की जमीन पर जागा, फिर हम अपना रास्ता अपने आप बनावे क्या? तिरंगा तो लगेगा दिल्ली की जमीन पे, या तो सीधे रास्ते दे दो, नहीं तो रास्ते बहुत है हमारे पे, है बदल का आ जा कोई ना कोई। बीमारी भी तो है ना बहुत, बीमारी है बहुत, चैनल का बीमारी है ना, तो वो देखने पड़ेंगे कौन सा चैनल जो बीमार तो नहीं है, कोई सा चैनल सबसे ज्यादा आत्महत्या आलू की सामना करी है वहाँ जी। और सरसों कोई कानून से नहीं मिली, सरसों मिली है कि जो इंडोनेशिया और जो वहाँ से पाम ऑयल आता था वहाँ की खेती बर्बाद हुई है, तो वहाँ से पाम ऑयल नहीं आया, उसके उससे सरसों के रेट बढ़े। जी आप ये बताइए सर कि जिस तरीके से अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, अभी आप लखनऊ में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर बैठेंगे, तो क्या लग रहा है कि 2022 में बदलाव होंगे? पता नहीं, हमें जानकारी है नहीं, बदलाव होंगे चुनाव तो अभी कई महीने रह रहे चुनाव के, तो अभी तो क्या तैयारी है आप लोग के चुनाव के इंतजार में लखनऊ? नहीं, हम तो कानून के उसमें कर रहे हैं, भारत सरकार से बातचीत करेंगे, कानून बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग की आवाज कब होगी बातचीत बताओ, मिलवा दो आप हमें। भाई उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं दिल्ली ने, हमने कह रहे कि भाई हमें बुला लो, हमसे बात कर लो, हम तो बात करना चाहते हैं उनसे, दिल्ली से भारत सरकार से कि हम बात करना चाहते हैं, आप हमको बुलवा लो, आपके दरवाजे के बाहर बैठे, दरवाजे के बाहर बैठे हुए, लेकिन अभी आप लोग लखनऊ में बैठने के लिए कह रहे हैं, तिरंगा भी आप कह रहे हैं कि दिल्ली में, दिल्ली की जमीन पे गाड़ेंगे आप। तिरंगा कोई किसी दूसरे देश का है तिरंगा? किसान तिरंगा नहीं लगा सकता? 5 गज जगह दिल्ली में, इतनी बड़ी दिल्ली में 5 गज जगह नहीं मिल सकती किसान को कि वो अपना झंडा लगा दे, किसी चौराह दे दो, जमीन दे दो, सड़क दे दो, पार्क दे दो, थाना दे दो, मतलब दिल्ली में देश के किसान को 5 गज जगह नहीं है कि जहाँ पे ये कह दे कि भाई यहाँ पर आप अपना तिरंगा लगा लो, उसका भी सम्मान रह जाए देश के किसान का। अभी तो वहाँ पर जंतर मंतर पे तो जाते हैं ना, 15 अगस्त में ही तो कह रहे हैं हम जंतर मंतर पे भेज दो, तिरंगा लगाया होंगे वहाँ पे, ना भेज दिए 15 अगस्त के लिए कह रहे हैं, बस 15 अगस्त 15 अगस्त में क्यों नहीं लगा सकता देश का किसान तिरंगा नहीं लगा सकता क्या, ये बता दो। किसान तो लगा सकता, और तो किसान ही तो कह रहे हैं हम अंधाता, अच्छा एक तरफ अंधाता है, हमको 5 गज जगह नहीं, 1 फुट जगह दे दो हमको, 12 इंचिंग है, 12 इंच 1 फुट जगह दिल्ली में हमको मिल नहीं सकती, बताओ अगर नहीं मिल सकती हो तो वो बताओ, फिर हम अपना रास्ता अपने आप बनावे क्या? तिरंगा तो लगेगा दिल्ली की जमीन पे, या तो सीधे रास्ते दे दो, नहीं तो रास्ते बहुत है हमारे पे, रास्ते खुद बनाएंगे, हाँ बना देंगे रास्ता, तिरंगा तो जागा, चेंज आओ हवाई मार्ग से तिरंगा दिल्ली की जमीन पे जागा, तिरंगा 15 अगस्त को लगाएंगे, 15 अगस्त में दिल्ली की जमीन पे तिरंगा हमें 5 गज जगह दे दो, हम अपना तिरंगा लगा लेंगे, 200 आदमी चल जाएंगे लगा के वापस आ जाएंगे, जहाँ वे कहेंगे वहाँ लगा देंगे। सवाल है सर, जिस तरीके से लखनऊ में आप जाने के लिए कह रहे हैं, तो यूपी चुनाव की वजह से चुनाव से हमारा क्या मतलब, हम तो वहाँ पे गन्ना भुगतान है 12,000 करोड़ रुपए का, गन्ने का 5 साल से रेट नहीं बढ़ा, उसकी बात करेंगे, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, उसकी बात करेंगे, आलू का किसान पूरा बर्बाद हो गया, उसकी बात करेंगे, फसलों के जो खरीद होनी थी वो नहीं हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसकी बात करेंगे, ये तो बात मुख्यमंत्री से तो करनी पड़ेगी। सर चुनाव से पहले आप बंगाल भी गए थे, बंगाल में ममता बनर्जी के वहाँ पर आप मिले भी थे, क्या अभी भी इसमें जैसे यूपी चुनाव आ रहे हैं क्या इसीलिए आप लखनऊ में जा रहे हैं? हाँ तो लखनऊ में तो मुख्यमंत्री तो लखनऊ में ही रहते हैं भाई, लखनऊ जाएंगे, बनारस जाएंगे, बनारस में भी पीएमओ है, एक दिल्ली में है पीएम ऑफिस और एक पीएम ऑफिस बनारस में है, तो वहाँ पे भी जाएंगे हम, गोरखपुर में भी जाएंगे हम, बरेली में भी जाएंगे, मुरादाबाद भी जाएंगे, हम तो सब जगह जाएंगे देश में। तो एक लास्ट सवाल है, जैसे मैं अभी आई थी आपने मुझे यही कहा कि कोई चैनल बदल के तो नहीं आया, क्या ऐसा होता है? हाँ है, बदल का आ जा कोई ना कोई, बीमारी भी तो है ना बहुत, क्या बीमारी? बीमारी है बहुत, चैनलों का बीमारी है ना, तो वो देखने पड़ेंगे कौन सा चैनल जो बीमार तो नहीं है, कोई सा चैनल आ जा अदल बदल का आ जा। इलाज कैसे होंगे सर? इलाज तो करेगा ये सरकार ही करेगी इनका इलाज, जो
हाँ सरकार करेगी। आप नहीं करेंगे, आप सर दोस्त करेंगे, हम भी करेंगे, सरकार को भी दोस्त देंगे। हाँ दोस्त देते रहे हम सरकार को। ममता बनर्जी तो अभी दिल्ली में है ना सर? अब पता नहीं, हमें तो जाना, मुलाकात करने का कोई ना, हमारा तो नहीं अभी, तो नहीं अभी, नहीं अभी। उनको बहुत काम है, उन्हें अपना काम करने दो, वहाँ पे बहुत काम है उन्हें दिल्ली में। अच्छा हाँ, जिस तरीके से अभी आप लोगों को बताया जा रहा है किसानों को लफंगे बोल रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी आ रही है, कौन बोल रहा? अभी सोनाली ने जिस तरीके से कहा हरियाणा बीजेपी नेता, कौन है ये सोनाली? क्या है ये बीजेपी का नेता है? अभी नहीं सुन देखा आपने? ना देखा नहीं। सोनाली महिला है आदमी? महिला। अच्छा अब पता नहीं क्या कहा, मैंने तो देखा नहीं, पहले देखो जब बता दो। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए ये थे हमारे साथ राकेश जी, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लखनऊ में जाएंगे और लखनऊ के क्या करने वाले हैं, वो तो देखने वाली बात है क्योंकि यूपी चुनाव करीब है। क्या ये यूपी चुनाव की तैयारी है, ये क्या है, ये तो वक्त ही बताएंगे। राकेश टिकैत जी ये कहा जाए जो आंदोलन है, 8 महीने पूरे हो चुके हैं, ये राकेश टिकैत जी के लिए आंदोलन है, राकेश टिकैत जी के परिवार के लिए आंदोलन है, क्या राकेश टिकैत जी द्वारा क्षेत्र के लिए आंदोलन है, क्या सभी किसानों के लिए आंदोलन है? हमारा क्या मतलब है, तो किसानों का आंदोलन है। फिर आरोप क्यों लगाया जा रहा है आपके ऊपर? कौन लगा रहा है? तो आपने कहा पहला क्वेश्चन है, 8 महीने में किसी ने कोई कह दिया तो भाई बताओ हमारे पे क्या इलाज है? ये तो किसानों का आंदोलन है, सभी किसानों का आंदोलन, तो आपको धमकी मिलती है? हाँ धमकी मिल जाए, धमकी तो मिलती है। बाकी किसान जो मतलब कह रहे हैं हम किसान बिल के समर्थन में है, किसान बिल का मतलब कहते हैं अच्छा किसान बिल है ये, तो वो तो स्पष्ट कहते हैं। ठीक है हमें मिलवा दो एक बार, तो वीडियो दे, मेरे पास मिलवा नहीं सकता मैं। नहीं मिलवा दो एक बार, तो वो कहाँ कौन सी खेती करते हैं और कहाँ पे भी बेचते हैं, तो हमको टेक्नोलॉजी जानकारी दे दो, भाई हम उनके साथ हो लेंगे। नहीं वो तो कहते हैं टिके साथ अपने लिए कर रहे हैं आंदोलन, अपना फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं मेरा क्या फायदा है, किसान फसलें रेट ठीक रेट पर बिकेंगे तो किसान का फायदा है। यही हम उनसे पूछा था कि किसान सबका फायदा होगा, ठीक है जी इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी कानून बनेगा, सबका फायदा होगा। वो तो मने करते हैं हमें तो मिल रहा है फायदा। कौन सा है वो काम हुआ तो? मैं आगरा से हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिस तरह कहते हैं किसानों को फायदा होगा। चारबाटी से हूँ मैं। नहीं आगरा के आलू के किसानों को फायदा हो रहा है? सरसों का फायदा हुआ इस बार हमें। और पिछले साल? इस साल की बात कर रहा हूँ। पिछले साल आलू फायदा हुआ था उनको, जो उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा सर। पिछले साल ये आंकड़े मेरे पास भी नहीं है, आंकड़े पहले इकट्ठे कर लो। नहीं 2 साल का बता दिया ना मैंने। सबसे ज़्यादा आत्महत्या आलू के किसान ने करी है वहाँ जी, और सरसों कोई कानून से नहीं मिली, सरसों मिली है कि जो इंडोनेशिया और जो वहाँ से पाम ऑयल आता था वहाँ की खेती बर्बाद हुई है, तो वहाँ से पाम ऑयल नहीं आया, उसके उससे सरसों के रेट बढ़े जी। चलिए बोले अगले साल बेच लेना, और फिर क्या रेट में बेची है सरसों तो उस रेट में उनको तेल मिल रहा है, उस रेट में सरसों खरीद कर दिखा देना।